पत्तों सहित जानता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे थे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से परिचित होकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिस परमेश्वर से विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। यदि ये अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ऐसा जो कहता है वो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और फिर भी यदि हम इनकी बात को ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, तो श्री कृष्ण जी को ये सर्वेश्वर बताते हैं, विष्णु जी को ये परम शक्ति बताते हैं, अजर अमर बताते हैं। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में और चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में, दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तू और मैं और ये सैनिक पहले भी थे आगे भी होंगे, और मेरी उत्पत्ति को दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता है, अर्थात दादाजी। तो वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर्वपुरुष, पुरुष माने प्रभु, और एक अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी मालिक है, प्रभु है, नील पद्म संख। और उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरण आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी यानी समर्थ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी वो है। अब जैसे संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, और तना ये अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली वो सर्वपुरुष है, और सर्वपुरुष के ये तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात्र रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का आप ही ज्ञान दिया, और इस ब्रह्म की इस काल की उत्पत्ति बताई है। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके थे, हम उनकी पूजा करते थे जो हमारे किसी भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते,
न ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, ना दुर्गा कर सकती है। केवल परम अक्षर ब्रह्म हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पापों का नाश कर सकता है, और पाप नाश होने से हमारे संकटों का निवारण होगा। जैसे पैर में कांटा लगा है, उस कांटे के कारण जो दुख है, कांटा निकलने से ही उसका उसकी राहत मिलेगी। तो पाप रूपी कर्म रूपी कांटों से हम अपने जीवन रूपी सफर में चलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की रजा से हमारे ये कांटे निकलेंगे और फिर हम अपने जीवन रूपी सफर में आसानी से सुविधा से चलेंगे। अब आपको बताया कि इस परमात्मा के पाने के मार्ग में सबसे पहला गुरु हो, और गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान से परिचित हो। आज तक जब तक इस दास को ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया, तब तक हम सभी अज्ञानी थे। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और 600 वर्ष पहले बता दिया था कि जब कलयुग लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, तब इस ज्ञान के प्रचार करने वाला महापुरुष आएगा। यानी वो तो महान आत्मा है, परमात्मा तो महान है, महान को महान ही नजर आते हैं सभी, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने इस दास को आज भेज दिया आपके पास अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए। कल आपको कबीर सागर में दिखाया था, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 पर परमात्मा ने उस पर लिखा है कि 12 पंथ बनाएगा ये काल, और 12वां पंथ गरीब दास वाला होगा, और गरीब दास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी उजागर होगी। कारण क्या है कि 600 वर्ष पहले कबीर सागर कबीर वाणी सचिदानंद गणवर मुख की वाणी का लेखन कार्य हुआ था, लिपिबद्ध हुई थी। इन काल के दूतों ने, काल ने अपने दूत भेज दिए 12, जो उनके प्रवर्तक थे, जैसे चूड़ामणि जी थे, वो काल के दूत नहीं थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो अन्य अनुयायी आए, उन्होंने उस ज्ञान को मिथ्या करके काल के ज्ञान की ही आगे प्रेरणा कर दी। तो इस प्रकार उन्होंने इस कबीर सागर में भी बहुत जगह परिवर्तन कर दिया। कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने, शोधकर्ता ने लिखा है कि मेरे पास अनुराग सागर की एक कम से कम 40 प्रतियां रखी हैं, 40। कबीर सागर में अनुराग सागर एक अध्याय है, 11 अध्याय हैं, उनमें से एक है। और वो शोधकर्ता कह रहा है कि इन सभी में इतना फेरबदल है कि किसी की व्याख्या एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, बहुत सा परिवर्तन इन्होंने कर दिया। अपने जो बात इनके सेट हुई थी उसी प्रकार का लेखन कार्य करके अपने अनुयायियों में भेज दिया, फिर उसको संग्रह करके कबीर सागर का रूप दे दिया। इसलिए परमात्मा ने सन 1727 में अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सतलोक से भेजा, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में एक किसान के घर जन्म हुआ, धनखड़ गोत्र उनका था। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, उनकी प्यारी आत्मा परमेश्वर स्वयं आए चलकर सतलोक से, खेतों में वो गौ चरा रहे थे अपने ही खेतों में, वहाँ परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले, जो तीसरी सतीथी में वो अपना रूप बनाते हैं।
वहां से गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, जैसे आदरणीय गीसा संत साहिब जी की आत्मा को लेकर गए, और भी जैसे मलुकदास साहिब जी की, जैसे धर्मदास साहिब जी की, ऐसे वो लीला करते हैं, अपने से परिचित कराकर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सचखंड लेकर गए और उनको मृत जानकर बालक को चिता पर लटा दिया था और अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी, तो परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में परमात्मा ने जो अपना तत्व ज्ञान डाल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था, फिर वो उस अमृत वाणी का उच्चारण करने लगे और एक गोपालदास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने फिर ये लेखन कार्य किया था। तो गरीबदास साहिब जी के बारे में लिखा है कि संवत 1774 सोई तादिन प्रेम प्रगट है सोई। तो उस गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने लिखा है कि मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा का ज्ञान की वाणी प्रगट होगी। और फिर लिखा कि उस गरीबदास वाले पंथ में ही आगे चलकर हम आएंगे, गरीबदास रूप में नहीं, गरीबदास जी के पंथ में आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से ही जुड़े हुए थे। अब जब दास ने देखा कि गरीबदास जी के पंथ में यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में लिखा है उसके विपरीत वो साधना कर और करवा रहे हैं, केवल एक मेरे गुरुदेव जी थे जो शास्त्र अनुकूल साधना उस गरीबदास पंथ में बताया करते थे, उनके ज्ञान को वो अन्य गरीबदासी पंथ के जो साधु संत थे वो रिजेक्ट किया करते थे और हमारे गुरुदेव जी के ज्ञान को प्रचार में नहीं आने देते थे। ये भी लीला थी परमेश्वर की। फिर इस दास पे कृपा हुई, गुरुदेव जी ने आदेश दे दिया कि बेटा तू नाम दिया करिए और प्रचार कर उस परमेश्वर का। और वो कहा करते थे कि पूरे गरीबदास पंथ में साधना ठीक नहीं है, इसी कारण से हमारे गुरुदेव के साथ उन अन्य गरीबदासी साधु संतों का कभी मेल नहीं होता था। और ये भी एक रीजन था, कारण था, परमात्मा ने इस ज्ञान को छुपा कर रखना था। अब गरीबदास जी के पंथ में गरीबदास जी की वाणी का ही गुणगान करते हैं, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को समझ नहीं सके। थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्मा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो समय पर आहार करता है, यदि उसको समय पर भूख लगती है तो वह स्वस्थ है। रोटी वही होती है, दाल सब्जी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है सुबह और शाम में। सुबह आहार किया रुचि से और शाम को भी समय पर रुचि होती है तो समझो आप स्वस्थ हैं, और यदि अरुचि होती है भोजन में तो आप अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार आपकी भक्ति मार्ग में है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी आज की नहीं, असंख्यों वर्ष पहले की बोली हुई है, और फिर ये 600 वर्ष पहले फिर दोबारा लिपिबद्ध हुई है, और उसी ज्ञान से ही हमने ये सब जानकारी हुई है। और इस ज्ञान की में जब अरुचि हो जाएगी तो समझो आपकी आत्मा पर फिर कोई बुरे कर्म का दबाव बन गया है, आपकी अंतःकरण स्वस्थ नहीं है। उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे कोई बुखार बन गया और रोटियों में अरुचि हुई तो औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी ही होती है, वो रुचिकर नहीं होती, टेस्टी नहीं होती, फिर भी खानी ही पड़ती है, और उसके खाने से फिर पुनः वो रोग नष्ट हो जाता है और रुचि फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही इस सदग्रंथों के इस ज्ञान को जितनी बार आप सुनते हो
आत्मा में गदगद होती है तो आपकी अंतःकरण स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये तो कई बार सुन लिया है तो आपके अंदर फिर कोई पाप प्रभावी हो रहा है। उसका उपचार क्या है, उसका ट्रीटमेंट